Ranjan Aqua World in Mysore is the largest underwater aquarium in India. Its tank houses over 100 species of fish and other aquatic species. Exploring this tunnel aquarium is a treat to the eyes of all the marine lovers. So guys, if you are fish lover, then do watch this फुल वीडियो सो दैट आप लोग भी यहाँ आके एंजॉय कर सको. सो जैसे ही आप एंटर करोगे वहाँ पे टिकट काउंटर आएगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं साउथ इंडियन का क्राउड. एंड यहाँ पे दो लोगों का टिकट 398 रुपीज़ लगा एंड नाउ वी एंटर्ड. एक सीढ़ी से ऊपर जाना पड़ता है एंड देन द एक्वेरियम स्टार्ट्स. स्टार्टिंग में ही आपको इस तरीके से कुछ फाउंटेन दिखेगा एंड एक्वेरियम दिखना शुरू हो जाएगा लाइक दिस. और यहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर फिश है. लाइक फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट एंड वेयर टू एंड आई डोंट नो. यहाँ पे आप ग्रीन स्क्रीन में फोटोज़ क्लिक करा सकते हो, फैमिली फ़ोटो, ग्रुप फोटो फॉर अ मेमोरी, और नीचे जाके आप उसे प्रिंट ले सकते हो. इट कॉस्ट अराउंड 100, 200, 300, 400 अकॉर्डिंग टू योर पॉकेट. सो चलते हैं और एक्वेरियम के तरफ. यहाँ पे कुछ कुछ ऐसे ऐसे चीज़ें भी थी जिसके साथ आप बहुत फ़ोटोज़ क्लिक करा सकते हैं. ऑफकोर्स वॉचिंग दिस स्नेक फिश टाइप कुछ ऐसा था, मुझे पता नहीं कि इनका नाम क्या है. सब एक्वेरियम के ऊपर में सबका नाम मेंशन था. सो या गाइस, मैं फिशेस के नाम तो ज़्यादा जानती नहीं हूँ बट आई कैन शो यू व्हाट आई वाज एबल टू शो यू फ्रॉम माय फ़ोन. सो या मतलब इसे देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ था और मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा सा आप लोगों को ना व्यू फील कराऊं. और यहाँ पे ना ये डिफरेंट लाइक वाटर वर्ल्ड देख के बहुत ही अच्छा लग रहा था कि एक अलग ही दुनिया है जहाँ पे अलग ही स्पीसीज़ है और एक साथ इतने तरह तरह के फ़िश. और अलग अलग इंतज़ाम रखा गया था, जो फ़िश को जहाँ जैसा इन्वायरमेंट चाहिए उस फिश को वैसे इन्वायरमेंट में रखा था. सो आई मस्ट से दिस प्लेस इज़ लाइक हाई मेंटेनेंस प्लेस फॉर दी एक्वाटिक एनिमल्स. साथ ही साथ मैं ये भी बोलना चाहती हूँ कि ये इंडिया का सबसे बड़ा फिश एक्वेरियम है तो इसलिए भी ये बहुत ही ज़्यादा फेमस है. सो या आप लोग को अगर कभी भी आप लोग मैसूर आओ तो ये प्लेस को तो मिस नहीं करना चाहिए ना. मस्त से ये प्लेस को छोटे बच्चे भी काफ़ी एंजॉय करेंगे. My son, he is 15 month old, but he was enjoying to the moon level. Like उसे बहुत ही अच्छा लग रहा था fishes देखना and to play with them, play with the other infrastructures. यहाँ पे अभी मैं आपको लेके चलती हूँ. यहाँ पे कुछ इस तरीके से दांत बने थे और यहाँ पे आप ना photos क्लिक करा सकते थे. That was a selfie point and it was very nice. My son was literally enjoying. So अगर आपके पास छोटू सा baby है तो आप तो definitely ये सारे प्लेसेस मिस आउट नहीं करेंगे. यहाँ पे टॉर्टोइस भी थे, टर्टल. सो या दिस वाज द मोस्ट नाइसेस्ट पार्ट. और ये ना कवर नहीं थे, लाइक दे वर ओपन, तो वो देखने में और भी अच्छा लग रहा था. और हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे ना तो क्राउड भी बहुत ही कम था तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा था. और ऐसे ना मतलब धीरे धीरे क्राउड बढ़ भी रहा था तो एक जगह पे बहुत सारे लोग खड़े हो जा रहे थे तो हमने थोड़ा वेट करना पड़ा था कि हाँ खाली होगा तो फिर हम भी देख पाएंगे. सो या ये वाला पोर्शन शायद बंद था बट ऊपर कुछ टूटा हुआ है. अदरवाइज आई थिंक कि यहाँ पे भी बहुत सुंदर फाउंटेन होगा. ये छोटी छोटी सी फिश है, मतलब जस्ट एंजॉय द ब्यूटी ऑफ देम, देयर प्रेजेंस. सो या यहाँ पे देखिए ऊपर में नाम मेंशन था. एंड दिस ब्लू फिश, डेफिनेटली ये ब्लू फिश बहुत स्पीड में जा रही थी. आप देखो, जस्ट फॉलो हर. एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे ये जो आपको फर जैसा लग रहा है ना ये भी फिश है. और एक ऐसे ही फिश थोड़ा ऊपर में है, रुके मैं दिखाती हूँ, जस्ट हैव अ लुक. सो इन्हें देख के समझ ही नहीं आएगा कि ये फिश है. एंड ये लॉबस्टर है. सो या दिज आर लॉबस्टर्स. बहुत लोग लॉबस्टर खाते भी हैं एंड दे लव देम. फिशेस के साथ फोटोज क्लिक कराने के लिए एंड ही वाज डूइंग ऑल ऑफ दिस मिसचीफ्स. सो या बच्चे काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे.
ये 1-2 घंटा का टूर है प्रॉपरली, और हमें तो वीडियो बनाना था तो हमें थोड़ा ज़्यादा ही टाइम लगा। एंड आरुष ना यहाँ से जाने के बाद जो सोया है वो डायरेक्ट सुबह उठा है, बिकॉज ही वॉज लिटरली वेरी टायर्ड। उसने यहाँ पे बहुत मस्ती किया, बहुत इंजॉय किया, एंड एवरी वन वॉज प्लेइंग विथ हिम, लाइक ही एंजॉयड बाई हिमसेल्फ, बट और भी लोग आके उसके साथ खेल रहे थे तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जा रहा था। एंड देन आई फाउंड हिम प्लेइंग विद दिस लिटिल मुंचकिन गर्ल, और आप देखो कैसे इसके पीछे 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 भागेगा ये। ये प्लेस काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और हर सेक्शन में कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग बना है, सो दैट सबको इंटरेस्ट आए। और यहाँ पे थोड़ा सा अंधेरा हो गया था, बट आई एम वेरी श्योर कि आपको प्रॉपर ही दिख रहा है। सी दिस एक्वेरियम, द डेकोरेशंस एंड एवरीथिंग, द फिशेस ऑल आर मिसमराइजिंग। यहाँ पे ये छोटे वाले फिश एक तरफ थे और ये वाले फिश एक तरफ थे। आई होप कि आई विश कि मुझे फिशेस के बारे में इतना नॉलेज होता कि मैं थोड़ा सा उसके बारे में बता सकती, बट आई डोंट नो। बट हाँ, अगर आप इस प्लेस के बारे में या फिशेस के बारे में या एक्वाटिक लाइफ से रिलेटेड कुछ भी जानते हैं और शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या फीलिंग आ रहा था। यहाँ पे एक सेक्शन था, यहाँ पे अगेन ऐसे फिश थे और ये ओपन थे, तो फिर ये ज़्यादा मुझे अच्छे भी लग रहे थे। और ऐसे ना, जब हम लोग ITC होटल कोलकाता में रुके थे तो वहाँ बहुत सारे लिली पॉन्स थे जिसके साथ आप खेल सकते थे एंड उन्हें फीड करवा सकते थे, तो इट वॉज़ लाइक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा फिशों के साथ।
यार मैं ही गिर जाऊंगी। हे हटो, फिश आ रही है, हाथ काट लेगी उसका। Yeah.
इधर दिखाते हो। बाय बाय कोलकाता में वहाँ पे एक अभी छोटा सा न्यू सेक्शन आया था जहाँ पे फिशेस हाँ साइंस सिटी में भी था। इस बार हमारा साइंस सिटी जाने का बहुत मन था बट हम लोग जा नहीं पाए। सो या गाइस, अभी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।